श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव। आप लोगों को पता है कि 8 जुलाई की वर्ली नमी है, या तो हम इसे वर्लिया नमी भी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आप लोगों को पता होगा या नहीं पता, तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस दिन विष्णु भगवान ने भी महादेव यानी शिव शंकर जी को 9 बेलपत्र चढ़ाए थे। 9 बेलपत्र क्यों चढ़ाए थे, तो वो भी इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि 9 बेलपत्र इसलिए चढ़ाए थे कि वो इस 9 बेलपत्र चढ़ाने के बाद यानी कि सोने के लिए चले गए थे। 4 महीने के लिए वो निंद्रा में चले गए थे। जो भी अपना कार्यभार था सब भगवान शंकर पे छोड़ के उसके बाद वो अपने निंद्रा में चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से अगर आप भी भगवान विष्णु की तरह 9 बेलपत्र शिवजी को चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होके ही रहेगी। अगर कोई भी बहुत बड़ा कार्य है जो हो ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से रुका हुआ है, वो कार्य भी आपका सफल होगा। किस तरह से उपाय को करना है पहले ध्यान से समझिएगा, और उपाय के लिए क्या चाहिए आप लोगों को पता है। मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, 9 बेलपत्र यानी एक बेलपत्र है ये, और आपको कितने बेलपत्र चाहिए, 9 बेलपत्र। हर वीडियो में बताता हूँ बेलपत्र आपके साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। वीडियो और आगे किस तरह से चलाना है उससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि आपको किस तरह से इस उपाय को करना है। शिवलिंग यानी कि शिव मंदिर आपको जाना है। शिव मंदिर में किस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ाना है उस चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहला बेलपत्र आपको यहाँ, ये जो देख रहे हैं आपको गणेश जी का जो स्थान होता है यहाँ पे, गणेश जी का स्थान पहला बेलपत्र। दूसरा बेलपत्र आपको यहाँ कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा बेलपत्र ये जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है यहाँ पे, माता अशोक सुंदरी को अर्पित कीजिए। उसके बाद जो आपके पास चौथा बेलपत्र बचता है, ये देखिए जो कटी वाली भाग है ना, यहाँ पे आपको चौथा बेलपत्र चढ़ाना है जो कि माँ पार्वती का हस्त कमल है। उसके बाद जो आपके पास पांचवा बेलपत्र बच रहा है, पांचवा बेलपत्र को आप सीधा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, महादेव जी को समर्पित कर दीजिए। महादेव जी को जैसे ही आप पांचवा बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपके पास बचते हैं छठा बेलपत्र। छठा बेलपत्र को आपको यानी ये शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी, जो मेरे स्क्रीन पर आपको जलाधारी दिख रहा है ना, जलाधारी के ऊपर में एक बेलपत्र को आपको चढ़ा देना, तो 6 बेलपत्र आपके हो गए। उसके बाद जो सातवां बेलपत्र है, आपको यहाँ पे जो देखते होंगे त्रिकुंड बना रहता है माँ ये भगवान शिव का, उस पर आपको एक थोड़ा सा शहद लगा के चिपका देना है अपना सातवां बेलपत्र, ठीक है। 7 बेलपत्र हो गए। उसके बाद चलते हैं आगे, 2 बेलपत्र और किस प्रकार से चढ़ाना है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सामने में क्या रहता है, नंदी जी। तो नंदी जी के पैर पे या तो नंदी जी के आप सिर पे यानी यहाँ पे या तो यहाँ पे एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। आपके टोटल बेलपत्र आत समाप्त हो चुके हैं। अब आपके पास एक शेष बेलपत्र बच रहा है। शेष बेलपत्र जब आप गेट से बाहर निकल रहे, मंदिर से बाहर निकल रहे, चौकट पे आपको दाएं साइड से एक बेलपत्र यहाँ पे समर्पित कर देना है। आशा कर रहा हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया। नहीं भी आया हो तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वीडियो को पीछे करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा किस हिसाब से करना है। जब आप बेलपत्र शिव जी को चढ़ा रहे हैं तब महादेव से अपनी मनोकामनाएं करनी, अपनी प्रार्थना करनी, जो भी आपका कार्य रुका पड़ा हो नहीं हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो अभी भरली नमी आती है, भरली नमी के बाद कोई भी हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। शादी भी होना होता है तो शादी भी हम इस दिन से पहले कर लेते, इसके बाद कोई भी शुभ काम 2-3 महीने तक नहीं होता है। आशा करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, और किस तरह समय पे करना है वो भी आप लोगों को बता देता हूं कि सुबह से लेकर शाम में जब आपके पास समय मिल जाए तब आप जाके इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।